सांसद और देखिए हम फतेहाबाद को नशा मुक्त, पूर्ण नशा मुक्त घोषित कर देंगे आज से ही, और ये पहल होगी इस बात की। तो उसके बाद हम फतेहाबाद से चल के किसी दूसरे जिला पे जाके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं जो भी आपने वादे इरादे किए थे तो जनता कहीं ना कहीं आपसे उन बातें और इरादों से छला महसूस कर रही है, और ये जनता की आवाज। नेता एक बार बन जाए एक बार का तनखा भत्ता, दूसरी बार बन जाए दूसरी बार का तनखा भत्ता, तीसरी बार बन जाए तीसरी बार का तनखा भत्ता, मतलब ऐसे पांच छह छह बार जो बन गए हैं उतनी बार तनखा भत्ता। भाई एक ट्री से रिटायर हो गया, पुलिस से रिटायर हो गया, तो एक ही बार की तो बनती है या दस बार की ये बनती है, भाई जमात है क्या देश के। लेकिन आज एक पीड़ित परिवार जो पूरा इस नशे की गर्त में, और वो भी सरकार के द्वारा प्रायः और आज तक भी है, वो सिर्फ एक इस बात पे अपने कुछ मांगे थी समाज की, और उस मांगों को लेके सरकार ने इतनी बड़ी सुरक्षा की पहल की करनी पड़ी। आज नारा तो दे दिया बेटी बचाओ, आप सब जान रहे हैं कि सबसे बड़ा कुठाड़ा घाटी है जो है नशा, उनको है ना कन्यादान के रूप में दे दिया जाता है। पहले दिन से प्रोक दी, सबसे पहले जिस दिन वो शादी का सेहरा बन रहा होता तो उसी दिन से उस नशे नशे के ऊपर जो है टाइम पे जाके। तो माता की नशा बंद कराना है, देश को बचाना है, देश को बचाना है, नशा बंद कराना है, हरियाणा बचाना है, नशा बंद कराना है, मोदी को समझाना है, नशा बंद कराना है, भट्टर को समझाना है, नशा बंद कराना है, कमलनाथ को समझाना है, नशा बंद कराना है। हम लोग जो है साफ साफ कर रहे हैं कि जैसे नोटबंदी देश में हुई उसी तरीके से पूरे देश में नशाबंदी हो, खासतौर से जैसे बिहार राज्य अभी जो है इस बात का उदाहरण बना हुआ, गुजरात राज्य इस बात का उदाहरण बना हुआ है कि वहाँ पे पूर्णतया नशाबंदी हो चुकी है। तो पूरे देश में नशाबंदी संभव है, अगर पूरे देश में नशाबंदी नहीं होगी तो अगर एक राज्य में होगी तो वो भी प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकती। यहाँ पे पंजाब से फतेहाबाद हिसार सिरसा में नशे का प्रकोप कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, चिट्टे का नशा और भी तमाम तरह के नशे जो है छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा। तो ये नशे और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच गए, रेव पार्टियाँ हो रही, कॉलेजेस को जो है स्कूलों को जो है इसका जो है क्षेत्र बनाया जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपना शिकार बनाया जा रहा है। तो हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह कर रहे कि जैसे उन्होंने नोटबंदी की जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काले धन के ऊपर कार्यवाही की, उसी तरीके से नशाबंदी करें, और न्यूनतम जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वो कर सकते हैं। शराब से विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कहना है, जो आंकड़े आ रहे हैं, 3 लाख लोग प्रतिवर्ष शराब से मर जाते हैं, लीवर सिरोसिस, कैंसर, थ्रोट कैंसर, याददाश्त की बीमारी, हार्ट अटैक, तमाम तरह की बीमारियां इससे होती हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटना में 1 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि लोग कुछ लोग नशे की धुत हालत में ड्राइविंग करते हैं। कल एसपी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने ही साफ साफ कहा, जो फतेहाबाद के एसपी साहब हैं, वो कह रहे कि 5,000 लोग तो सड़क दुर्घटना में सिर्फ हरियाणा में मरते हैं। वो आंकड़े जो कि उन्हें प्राप्त हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आंकड़ों के रूप में हमें नहीं मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो एक तो जो चिट्टे का नशा है उसके ऊपर या तमाम तरह के इसके नशे के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए, और जो सरकार प्रायोजित नशा है जिसका लाइसेंस भारत सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार देती है, जैसे ठेके खुलना, ठेके न खोले जाएं। ये आमरण अनशन है, ये फतेहाबाद में शुरू हुआ है और ये बात जो है पूरे देश में जाएगी। ये अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है पूरे हरियाणा राज्य में हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन संघर्ष शुरू हो जाएंगे, धरना। और अगर ये बात नहीं रुकती है, हम लोग इसकी शुरुआत बनारस में करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी जी से विनम्र निवेदन के साथ, ये अनुरोध है, विरोध नहीं, हम किससे लड़ने जा रहे हैं, हमारी सरकार है। कब होगा कि आपका क्या मांग पूरी हो जाए? देखिए, हमें ये मालूम है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है और हमें इन पर भरोसा है। हमारी बातों को अगर ये संजीदगी से लेते हैं, कोई बड़ा जिम्मेदार मंत्री आकर के ये कहता है कि हम जो है आचार संहिता लगने से पहले हरियाणा राज्य में ये हो सकता है, बिहार में हो गया, तो हरियाणा की सरकार जो है वो कर सकती है, इतना दृढ़ इच्छा शक्ति है, राम राज्य वाली सरकार है, यहाँ हो सकता है।
तो हम लोग यही कह रहे हैं बार बार कि अगर आ करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी हमारी बातों को सुन लेते हैं तो ये कोई झगड़ा करने के लिए नहीं है। ये आंदोलन बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी का आंदोलन नहीं। ये हम लोग एक माँ, बिलखती हुई माँ का कि आंसुओं को रोकने का आंदोलन है।